घड़ी में सेकंड वाली सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और 15 सेकंड में इसके नॉब यानी कि टेप के वेग में परिवर्तन हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें गिवन है। फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो घड़ी में सेकंड की सुई होती है वो पूरा राउंड जब लगाती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, और उस 360 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए घड़ी की सेकंड की सुई को लोकते हैं 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में घड़ी की सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में घड़ी की सेकंड वाली सुई एंगल बनाएगी 360 / 60, जो कि हो जाएगा 6 डिग्री एंगल, 6 डिग्री का कोण। हमें दोस्तों यहाँ पर बात करनी है 15 सेकंड की, तो देखते हैं 15 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 15 सेकंड से निकालने के लिए हम यहाँ पर 15 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन आपके पास में वैल्यू हो जाएगी 6 × 15, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री को हम ले सकते हैं फ्रेंड्स π/2 रेडियन। अब हम बात करते हैं कि आपके पास में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। हम जानते हैं फ्रेंड आपके पास में एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं देन π/2 इज इक्वल टू आर्क, यानी कि चाप को हम x मान लेते हैं और रेडियस हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, देन x की जो वैल्यू हो जाएगी, जो आर्क की जो वैल्यू है वो है π/2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे मिल जाएगी। टाइम आपको गिवन है 15 सेकंड, यानी कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, ठीक है, वो आपके पास में हो जाएगा π/2 × 15, यानी कि π/30 सेंटीमीटर/सेकंड, ये आपके पास में वेग हो जाएगा सेकंड की सुई का। लेकिन देखिए फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर सेकंड की सुई को ड्रॉ करते हैं एक घड़ी में, तो 0 सेकंड के लिए मान लीजिए आपके पास में घड़ी की जो सेकंड वाली सुई वो 12 पर है और 15 सेकंड के लिए वो 3 पर है। तो ये इनकी पोजिशंस होती है, आफ्टर 15 सेकंड्स इस तरीके से 3 पे आ जाएंगी। तो जब घड़ी की सेकंड वाली सुई 12 पर होगी तो उस समय इसका जो वेग होगा वो कुछ इस दिशा में होगा, यानी कि हम इसे आई कैप डायरेक्शन ले लेंगे, और इसका परिमाण होगा π/30। और जब घड़ी की सेकंड वाली सुई 3 पर होगी तब इसके वेग की दिशा होगी कुछ इस तरीके से −j कैप दिशा में, और इसका परिमाण होगा π/30। यानी कि जो वेग में परिवर्तन है, अगर हम निकालते हैं यहाँ पर वेग में परिवर्तन 15 सेकंड में अगर हम निकालें, देन वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि −j कैप π/30 − i कैप π/30। अगर हम इसमें परिवर्तन निकाल रहे हैं तो फ्रेंड ये परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको सदिश फॉर्मेट में जो है किसी भी ऑप्शन में परिवर्तन नहीं गिवन है, तो इसका परिमाण हम फाइंड करेंगे। परिमाण के लिए हम क्या करेंगे, इनके यूनिट वेक्टर्स के कोफिशियंट का स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देन आपको वैल्यू मिलेगी √2 × π/30 cm/s, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है।